दिल्ली के एयर पोल्यूशन मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की वो आप लोगों को जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि ये टिप्पणी केवल दिल्ली के वायु प्रदूषण से संबंधित मामले के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे तमाम सामाजिक मुद्दे जो सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों में विचाराधीन हैं से संबंधित है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि महिलाओं से जुड़े मामलों तथा उनसे संबंधित तमाम कानूनों के बारे में एक डिटेल्ड सीरीज इस चैनल पर आने वाली है, जो आपसे मिस ना हो उसके लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि टीवी चैनल्स पर होने वाली डिबेट दूसरों के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण फैला रही हैं, जहां हर किसी का अपना एक एजेंडा होता है। मतलब ये कि टीवी चैनल्स पर जो डिबेट्स होती हैं, वे सभी प्रवक्ताओं द्वारा अपने अपने एजेंडे को साधने के लिए कही जाती हैं, जिसमें माननीय कोर्ट तथा कोर्ट की प्रोसीडिंग में वकीलों द्वारा दिए जाने वाले तर्क को तोड़ मरोड़ कर डिबेट के माध्यम से जनता के सामने पेश किया जाता है। मकसद सिर्फ इतना कि उनका एजेंडा पूरा हो सके। वास्तविकता क्या है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन डिबेट्स को सीरियसली ना लें और सही तथ्यों को जानकर अपने विवेक का उपयोग करते हुए इन मुद्दों को समझें और अपनी बात रखें। लेकिन हाँ, यदि आप चाहें तो इन डिबेट्स को सास बहू की सीरियल की तरह अपना मनोरंजन करने के लिए जरूर देखें। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हम आपको वास्तविकता और सही तथ्यों के बारे में जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार देते रहेंगे, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।